हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ईटी, जिसके स्टारर में यानी लीड रोल पे हैं सूर्या सर। तो उन्हीं की जो मूवी की जो ट्रेलर निकल के आई है, इसी के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं। तो आप लोग मैं साफ साफ बता दूं, अभी जो बज रहे हैं 2:30 बजे के तकरीबन, अभी तक इसकी जो हिंदी ट्रेलर है वो रिवील नहीं की गई है। इसकी जो तमिल और तेलुगु रिलीज अभी तक जहाँ तक न्यूज़ है, जो मैंने देखा है तमिल वर्जन, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो मैंने सब टाइटल्स के साथ देखा। और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, क्या तामझाम है, क्या इनको क्या इशू है, ये कभी इसको मतलब ना हमारे पास शेयर करते नहीं, समझ ही नहीं आता, इतनी ऑडियंस से वेट कर रही है यार। कम से कम आपने वो सन मराठी चैनल पे कम से कम टीजर रिलीज की थी, कम से कम इसका जो ट्रेलर है उसी में रिलीज कर दें। हम लोग जो इच्छुक हैं, जो हम इंतजार कर रहे हैं इस मूवी का, उसको हम कम से कम देख लें, क्योंकि हिंदी जो मूवी है ना, उसकी जो ट्रेलर हम हिंदी में देखेंगे तो वो हमारी जो वाइब्स होगी वो अलग होगी, सब टाइटल्स के साथ में हमारी वाइब्स अलग होने वाली है। अब बात करते हैं अगर इसको साइड करके, अगर पूरी ट्रेलर की बात करते हैं, तो ट्रेलर हमारी जो देख रही है वो जय भीम की तरह पूरी इमोशन से भरी हुई नजर आने वाली है फिल्म। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है, अगर इस फिल्म में क्या पूरे फिल्म में अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे इमोशनल जो है वो हमें अगर पकड़ के रखती, तो फिल्म काफ़ी अच्छी हिट होने वाली है। क्योंकि जो मूवी निकल के आया है उसकी अगर जो भी है सब टाइटल्स में, और जो मैंने सीन्स देखे हैं उसके अगर मुताबिक मुझे जो समझ आया उसके बारे में बात करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नज़र आ रहा है कि जहां पर महिला की सुरक्षा की कहानी है, वुमेंस रिस्पेक्ट को कुछ ना कुछ यहां पर इलीगल कुछ एरियाज पे चल रही हैं, जिसमें सूर्या सर हो जाते हैं इन्वॉल्व। क्योंकि इसमें ट्रेलर पर एक जगह सीन है जहां पर ऐसा देख के लग रहा है कि वहां पर कहीं ना कहीं उनके फैमिली मेंबर में से कोई एक इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब कि उसका शिकार हो जाती है कोई वुमेंस। उसी पे ये फिल्म बेस्ड है, वहाँ से उनकी जो जर्नी है और इस इशू को टैकल करते हुए सोशल मैसेज को लेकर क्लाइमैक्स पे कैसे जाएंगे, उस मूवी को पूरी ये प्लॉट वो हमारी जो रिवील करने वाली है ये मूवी। मगर बात करें इस मूवी के बारे में, तो आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, तो जो इसमें एक्शन दिखने को मिल रहा है, थ्रिलर देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि मास ऑडियंस को भी ये पसंद आने वाली है। उसके बाद इमोशन जो इसमें है, और जो इमोशन सूर्या सर करके जाएंगे, और जैसा हमने जो मतलब कि जय भीम में देखा था, अगर उस टाइप का इमोशनल टच मिलता है तो फिल्म बेखूबी से सुपर हिट ब्लॉकबस्टर होने वाली है। बाकी हम वेट करते हैं कि इसकी हिंदी ट्रेलर आती है, उसके बाद में हम ये भी बात करेंगे कि डबिंग इसकी कैसी है, इन्होंने कैसा उसे अरेंज किया है। बाकी अगर इसकी तमिल वर्जन और तेलुगु वर्जन की बात करूं, तो बीजीएम काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। जो मूवी मेकिंग और जो एडिटिंग है, विजुअलाइज करके जो ट्रेलर को काटा गया, वो भी काफ़ी बेहतरीन है। अब देखते हैं नेक्स्ट निकल के अब हिंदी ट्रेलर कब आती है। जैसे अपडेट्स की हिंदी ट्रेलर के रिलीज में आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मैं चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों, इसी तरह की ट्रेलर के लिए, रिवील के लिए, और किसी की मूवी की रिव्यूज के लिए, अपडेट्स के मेरे चैनल पे बने जरूर रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे।